थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू श्री राधे राधे। चलिए देखते हैं आप लोगों की करंट पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग। पहले हम देखेंगे आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के रिलेशन में। ठीक है, टू कार्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ये आपका पास्ट देखते हैं, आपके प्रेजेंट देखते हैं। लिस्ट और ये फ्यूचर के कार्ड नीचे। प्लीज यूनिवर्स फ्यूचर के कार्ड। ओके, फ्यूचर के कार्ड नहीं दिखेंगे, कोई बात नहीं, मैं बाद में पुल आउट कर दूंगी। चलिए देख लेते हैं क्या है। ओके, आपका पास्ट कैसा रहा है? प्लीज यूनिवर्स बताएं पास्ट। ओके, वाओ, देखिए पास्ट में आप लोगों का बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत प्यारा रिलेशन था, बहुत ही क्या ही बताएं। आप ज़्यादा चेजर की एनर्जी में होंगे। आपका पार्टनर का जब टाइम होता हो या फिर मतलब वो अपने वर्क होल ही हो सकते हैं आपके पार्टनर, तो कहीं दूरी हो सकती है आप लोगों में, और आप लोग जो है आप लोगों में बाउंडिंग बहुत अच्छी थी, प्यार बहुत, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था आप लोगों में, यूँ कहें एक अच्छे खासे कपल की तरह। लेकिन एकदम से कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर बाहरी इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जो आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं किसी अदर पर्सन में, थर्ड पार्टी। देखो कुछ भी हो सकता है, कोई रीज़न हो सकता है मैच्योरिटी, तो उस चीज़ में आपके पर्सन आपको छोड़कर ये कहीं और इन्वॉल्व हुए हैं, या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है जो आप लोगों को दूर करना पड़ा। क्योंकि ये दो कप देख रहे हैं आप पीछे, और ये यानी कि पड़े हुए कप के पीछे भागा है, यानी कि जो शायद इन्होंने आपके प्यार को समझा ना हो, या फिर आपको इतनी इम्पोर्टेंस ना दी हो, प्रायोरिटी इन्होंने किसी और चीज़ को दी हो, तो ऑफकोर्स ये दिखाई दे रहा है आपसे ऊपर किसी और चीज़ को चूज़ किया है। तो अब फाइनली देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ओके, इसको क्लेरिफाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ डिवाइन बताएं, हेल्प कीजिए। एट ऑफ सोर्स क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स, प्रेजेंट में एट ऑफ सोर्स क्यों आया है हमारे व्यूवर्स के रिलेशन में? ओके, मीजान, अगर आप लोग बहुत दुआ करते हो यूनिवर्स से, तो इस एनर्जी को क्लेम करना। अगर आपने पास में बहुत ट्रामा झेला है, बहुत तकलीफें झेली हैं, तो क्लेम करना, ठीक है? क्योंकि एनर्जी कुछ ऐसी ही आई है निकल के। तो देखिए अभी के प्रेजेंट में ये है कि आपके पर्सन आपसे अभी भी ट्रू लव करते हैं, आपको अभी भी ट्रू लव करते हैं, आपको ऑफर करना देना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अगर नो कॉन्टेक्ट में है तो। लेकिन ट्रैप है, यानी कि रास्ता बंद है। इनको ऐसा लग रहा है कि भगवान ने और डिवाइन ने इंटरफेरेशन किया है, और डिवाइन आपकी तरफ इनको नहीं भेज रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। टावर मोमेंट, यानी कि टावर मोमेंट है आप दोनों के कनेक्शन में। ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए, और आफ्टरऑल ये टावर मोमेंट जो है ख़त्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत आग्रीमेंट है आप लोगों में, बहुत लड़ाइयाँ झगड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है कि आप मतलब इसमें आग्रीमेंट बहुत है। ये टावर मोमेंट ख़त्म करने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए बहुत चीज़ों को ख़त्म करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन के दिल में तो आप ही बसते हो, वो
इस बात को डिनाई नहीं करते हैं, यूनिवर्स पे उन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, भगवान पे उन्होंने सरेंडर कर दिया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपका जो है फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। सुपर। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रिलेशन को ख़राब जिसने किया है या जिस स्थिति ने ख़राब किया है, उस स्थिति में कोई ना कोई ऐसी सच्चाई जो है आपके पर्सन की तरफ या आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये चीज़ जो है फाइनली टू आपके जो है पर्सन लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। और यहाँ सन का कार्ड ये बता रहा है कि फ्यूचर में आप लोगों का रीयूनियन होगा, आप लोग मिलोगे, जरूर मिलोगे, और ये आपके पर्सन जो है आपको कमिटमेंट, तो ये चीज़ बिल्कुल नज़र आ रही है आप लोगों की जो है आपके पर्सन जो है आपकी तरफ कब ऑफर यानी कि समझौता लेकर आएंगे। चलिए एक बार क्लेरिफाई कर लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या हमारे व्यूवर्स तक ये इनके पार्टनर नहीं लेंगे ये कार्ड, पता नहीं मन नहीं किया मेरा लेने का, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आखिर किंग ऑफ कप्स किस लिए आया है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं किंग ऑफ कप्स क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं किंग ऑफ कप्स। ओ वाह, मैंने बोला सी, ये इंसान आपको ऑफर लेकर आएंगे, ये इंसान आपके पास आएंगे और ये इंसान ही पहल करेंगे आपकी तरफ। तो गाइस, आप लोग जो है अपनी अपनी इमोशन को थोड़ा दबाएं, ज़्यादा आप फुल्ली किसी चीज़ को लेकर आप भाग के ना जाए सन, क्योंकि जब तक ये इंसान जो है रियूनियन नहीं करेंगे ना, तब तक ये सर पटकेगा, इनको श्राप मिला है ऐसा लग रहा है, इनको ये श्रापित है, ये अगर आपके साथ नहीं आएंगे तो इनकी लाइफ में भी वो चीज़ हैप्पीनेस नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज़ है। और सी, यहाँ पे ये हाई प्रिस्टेस क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, इसीलिए ये इंसान आपके पास यूनियन के लिए आएंगे, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ डिवाइन बताएं हाई प्रिस्टेस क्यों आया है। वाओ, हाई प्रिस्टेस, यस, थीनो कार्ड, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि भर भर के यहाँ पे हो सकता है कि हमारे व्यूवर्स जो है कोई न्यू पार्टनर से भी मिल सकते हैं और पास्ट पर्सन भी आ सकता है, लेकिन यूनियन तो आप लोगों का यस जरूर होगा। यहाँ पे कप्स, कप्स की एनर्जी है, देखिए पेंटिकल की एनर्जी है, डबल कप्स और डबल पेंटिकल की, यानी डबल किंग और डबल ट्रिपल किंग है इसमें। तो सी, कोई पास्ट पर्सन भी आ रहा है, कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है, सो अब आप देख लीजिएगा जैसा भी हो। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आपके साथ कब घटित होने वाली है आपके पर, ये जो है अगर आप लोग यूनियन के लिए वेट कर रहे हो तो कब तक यूनियन होगा। देखिए, ज़्यादा लंबी रीडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरी जान, क्योंकि सेम चीज़ें निकल के आई हैं, पता नहीं किन की है ये। ओह वाओ, ये किंग वापस आ गया है घूम के, इसका मतलब ये है कि आपका न्यू ईयर में जो है डेफिनेटली जो है चांसेस है, वेरी हैवी चांसेस है कि आपका इस न्यू ईयर में ही यानी कि जनवरी मंथ में ही आपका जो है रियूनियन हो जाए। ओके, एट ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, प्लीज़ मेरे डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, हमारे व्यूवर्स को कोई गाइडेंस देना चाहते हैं प्लीज़ राधा कृष्णा की तरफ से गाइडेंस। ओके हेरोपेंट्स, यस, ये एक मैरिज प्रपोजल का भी कार्ड होता है, मैरिज का भी कार्ड होता है, तो इसी आपके दोनों आप अगर आप पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं तो यस, आपका रियूनियन, न्यू बर्थ, एक साइकिल एंड होने का, आप लोगों की मीटिंग होने का यहाँ पे दिखा रहा है। डिवाइन आपको ये कह रही है, राधे कृष्णा कह रहे हैं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप लॉयल हो, सी आपके लिए आपके लाइफ में भी लॉयल्टी जरूर आएगी। तो थैंक यू वीडियो के लिए, सॉरी मतलब आप लोग इतनी देर से आप लोग वीडियो देखते हो और इतना दिल लगा के देखते हो तो आपका भी तो थैंक यू बनता है ना मेरी जान, और आप लोग मेरे और इतना सपोर्ट करते हो। सी, बहुत दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं टाइम टेबल मेरा बहुत बिगड़ रहा है,
सो मुझे भी लग रहा है, प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिए कि मैं अपने टाइम टेबल पे लेवल पे आ जाऊँ। तो श्री राधे राधे आप सभी का, और मेरे लिए दुआ करने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू।